संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। काव्य में हमने एक ही वीडियो को देखा है अभी और रूपरेखा के रूप में जाना था। उसमें हमने बताने का प्रयास किया था शुरू से लेकर अंतिम तक जो व्यवस्था थी, काल थे, काल में कौन सा संप्रदाय कब किसके द्वारा बनाया गया था और किस संप्रदाय में कौन से आचार रखे गए हैं, ये पूरा विस्तृत रूप में जानने का प्रयास किया था। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपका एक क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं जाएगा। हमारी नेट में भी एक इकाई है, उसमें सीधे सीधे संप्रदायों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो कौन संप्रदाय में कौन से आचार्य आते हैं ये पूछा जाता है, तो उसमें से एक प्रश्न आपका हमेशा बना रहेगा, वो खाली नहीं जा सकता, उसमें से छूटेगा नहीं आपका, ये मान के चलिए। और आज से हम उसके आगे हम चर्चा करेंगे काव्य प्रकाश ममट्टी जी के बारे में, जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बाद में भी अर्जित कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब हम सीधे प्रयोजन पर चलते हैं। काव्य प्रकाश, प्रयोजन है और प्रयोजन के बारे में हमने जाना है वेदांत सार। अगर हमारा आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं और वेदांत सार नहीं देखा है, उसमें जाकर के अवश्य देख लें। उसमें अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत आने वाले इन चारों के बारे में हमने बड़े अच्छे समझाया है, अधिकारी कौन है, संबंध क्या है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन चौथे स्थान पर आता है, तो आज प्रयोजन के बारे में सीधे बात करेंगे। अधिकारी काव्य को प्राप्त करने में कौन अधिकारी है कौन नहीं है वो आप सब जानते ही हैं। विषय क्या है, काव्य से संबंधित ही विषय होता है इसमें, संबंध इसमें होता है। उसके बाद में फिर प्रयोजन, प्रयोजन में क्या बोला गया है, प्रयोजन बिना मंदो अपि ना प्रवर्तते, इस तरह से बोला गया है, यानी प्रयोजन के बिना किसी कार्य का उद्देश्य इसको पता ना हो वो मंद बुद्धि भी किसी कार्य के लिए तैयार नहीं होता, इस तरह से बोला गया है। तो काव्य क्यों पढ़ाया जाए, क्यों अध्ययन किया जाए, क्यों अध्यापन किया जाए, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चर्चाएं की हैं, लेकिन हम सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा अध्ययन कर रहे हैं, तो काव्य प्रकाश जी के अनुसार ही जानने का प्रयास करेंगे और आशा करेंगे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। कोशिश मैं ये करता हूँ कि अपना जो भी है शक्ति ईश्वर द्वारा प्रदत्त वो सारी की सारी इसमें लगाने का प्रयास करता हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है, बस जो है बस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है उसको देने का प्रयास करता हूँ कि कोई भी चीज़ को सरलतम विधि से समझाने का प्रयास करूँ। और आशा करूँ कि एक अगर 10 साल का भी बच्चा देखे वीडियो तो 1 से 2 बार में उसके भी समझ में आ जाए, ये कोशिश रहती है। तो इनका एक श्लोक ले लेते हैं फिर व्याख्या में जाएंगे और बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा। आज के बाद उम्मीद करूँगा कि प्रयोजन आप कभी भी एक बार देखने के बाद 2 बार देखने में कभी नहीं भूलेंगे। बोला गया इसमें काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षताए सद्य पर निर्वृताए कांता सम्मित तयोपदेश। श्लोक है, हम इसकी यहां पर व्याख्या करने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे उसको समझाने का प्रयास, आधुनिक समय में भी उनको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसको। पहला है यश, यानी कि काव्य के प्रयोजन सबसे पहला क्या है, यश है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आता है अर्थ, मैं लिख देता हूं फिर बाद में चर्चा करते चलेंगे। तीसरा है व्यवहार का ज्ञान होना, व्यवहार का ज्ञान मिलता है इसे। शिवेतर अक्षतरे, शिवेतर का मतलब शिवमानी कल्याण होता है, कल्याण से इतर मतलब अनिष्ट का निवारण। अनिष्ट का उपाय। पांचवें स्थान पर है आनंद, आनंद की प्राप्ति। छठवें स्थान पर है उपदेश, कांता सम्मित उपदेश के बारे में है, वो बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें कांता सम्मित, कांता में ठीक है, कांता सम्मित तय उपदेश जी,
यश अर्थ व्यवहार अनिष्ट उपाय, यश की प्राप्ति होती है काव्य को पढ़ने और पढ़ाने से, ये प्रयोजन हो गया। अर्थ भी मिलता है काव्य को पढ़ने पढ़ाने से, व्यवहार का ज्ञान होता है किससे कैसा व्यवहार किया जाए, अनिष्ट का निवारण होता है, जो भी आप पर कठिन परिस्थितियां हैं उसको भी काव्य के द्वारा दूर किया जा सकता है। तुरंत आनंद की अनुभूति होती है, सद्य पर निवृत्त है अर्थात तुरंत ही आनंद की अनुभूति होने लगती है काव्य को पढ़ने से और पढ़ाने से। उपदेश कांता सम्मित उपदेश अर्थात स्त्रियां जिस तरह से किसी कार्य में किसी पुरुष को प्रवृत्त करती हैं या हटाती हैं उसी तरह से काव्य भी होता है, रसयुक्त होता है, ये रस प्रधान होता है, यहाँ आदेशात्मक कुछ नहीं होता। तो इसमें बहुत गहने से चर्चा करेंगे और आशा करेंगे आपको ये पूरा विस्तृत में सही से समझ में आ जाएगा। यस, मैं थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें जो बोला गया है, मैं उसी के अनुसार बताने का प्रयास करूंगा और आपको ये भी बताता चलूं आधुनिक समय में भी मैं उसको उदाहरण देने का प्रयास करूंगा और शायद वो आपको अच्छा लगे। उसमें बोला गया है कालिदास आदि नाममेव यशा। मैं इनको पहले लिख दूं उसके बाद में फिर व्याख्या करूंगा, है ना, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगले वाले में यानी कालिदास के जैसा ही यश प्राप्त होता है, अब मैंने इसमें चर्चा करी ली है अर्थ कैसे होते हैं, तो इसमें बोला गया है श्री हर्ष धावका दीनाम मेव धनम, ठीक है। व्यवहार में बोला गया है राजा आदि गतोचित आचार परज्ञानम। अनिष्ट का उपाय में बोला गया है आदित्यादे मयूरा दीनाममेव अनर्थ निवारणम। आनंद में बोला गया है सकल प्रयोजन मौलीभूतम, सकल प्रयोजन मौलीभूतम समानांतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वैद्यानंतरम आनंदम। एक बार लिख दूं फिर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, उपदेश को मैं बाद में लिखूंगा, इसी में से हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कालिदास से यहां शुरू करेंगे पूरी बात है। कालिदास आदि नाम में यशः अर्थात काव्य को बनाने में, काव्य का अध्ययन करने में, अध्यापन कराने में या काव्य की रचना करने में यश की प्राप्ति होती है, वो कालिदास आदि अर्थात उदाहरण दिया है कि जैसे कालिदास आदि कवियों को यश की प्राप्ति हुई थी। अब कालिदास आदि से तात्पर्य है जितने भी कवि हुए हैं सभी यश को प्राप्त हुए हैं, इसमें भार भी हैं, बाणभट्ट हैं, मयूर हैं और जितने भी हैं तुम्हारे, वो सभी काव्य की जिन्होंने रचना की है चाहे हिंदी के हों, संस्कृत के हों, इंग्लिश के हों, किसी भी भाषा के हों, उनको यश अवश्य मिला है अर्थात उनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है। आदि कवि को वाल्मीकि जी को लीजिए, उनका यश आज तक फैला हुआ है, आदि कवि माने जाते हैं और आदि काव्य उनका रामायण माना जाता है, इससे पहले लौकिक संस्कृत नहीं थी। आधुनिक समय में भी अगर हम इसका जीवंत उदाहरण देखना चाहें
तो जो कवि सम्मेलन होते हैं या कवियों के द्वारा हम जिनको जानते हैं, एक कवि है शायद उनको बच्चा बच्चा जानता है, ये उनका यश ही है, और इसी देश में नहीं किसी भी देश में चले जाते हैं तो उनसे पहले उनकी कविता वहां चली जाती है। शायद आपको अनुमान लग गया होगा कुमार विश्वास का मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो कुमार विश्वास का जो यश है, जो कीर्ति है उनकी, वो चारों तरफ फैली हुई है। उनके जाने से पहले वहां पर कविता उनकी पहुंच जाती है, तो उनका ये यश ही तो है। तो काव्य को करने से, वो कभी प्राध्यापक हुआ करते थे, परंतु उन्होंने प्राध्यापक अर्थात प्रोफेसर थे, उन्होंने उससे इस्तीफा देकर के केवल कवि के कविताओं के लिए ही अपना जीवन सर्वस्व कर दिया है। तो कवि सम्मेलनों में बहुत बहुत दूर तक वो जाते हैं। तो इस तरह से यश की प्राप्ति होती है। तो कालिदास आदि उदाहरण है, किसी का भी उदाहरण लीजिए जो कवित्व के क्षेत्र में है, कविता के क्षेत्र में है, उसको यश मिलता है। हर्ष आदे धावका आदि नाम भी धनम, अर्थात हर्ष आदि से जो जो हर्ष थे, उन्होंने धावक नामक एक कवि थे, उनको ऐसा माना जाता है कि उनको धन देकर के उन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी उन्होंने अपना नाम हटवा करके अपना नाम डलवा लिया था, धावक का नाम हटवा दिया था और अपना नाम डलवा लिया था। हो सकता है ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि धावक जो हैं बहुत गरीब रहे हों, बहुत परेशान रहे हों जीवन से, तो उन जैसे ही वो कवित्व के क्षेत्र में आए और हर्ष के सानिध्य में आकर के जब उन्होंने कविताएं शुरू की, उन्होंने काव्य को रचना शुरू किया, तो उन पर धन की वर्षा होने लगी और उनकी गरीबाई दूर हो गई। तो इसलिए यहाँ पर धन को भी बहुत अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है काव्य की रचनाओं के द्वारा। इसका उदाहरण भी हम कुमार विश्वास से ही ले सकते हैं। अगर आपने राजा भोज से संबंधित पूरी व्यवस्था जानी हो, राजा भोज के दरबार में ही सारे कवि रहा करते थे। ये मयूर आदमी जितने भी हैं, मयूर हैं, बाण भट्ट हैं, बाहर भी हैं, ये राजा भोज के यहाँ सभी कवि रहा करते। राजा भोज जो थे वो स्वयं तो कवि थे ही थे, वो कवियों की बड़ा ही सम्मान करते थे और धन दे करके उनको अपने दरबार में बुलाया करते थे। इसलिए वहाँ एक तरह से सारे कवि वहाँ ही रहा करते थे। कालिदास का भी वहाँ भी जिक्र आया है राजा भोज के दरबार में। तो ऐसे धन की प्राप्ति बहुत अधिक मिलती है। इसका फिर उदाहरण वही दूंगा मैं। एक बार मैं उनका सुन रहा था कुमार विश्वास जी का, तो उन्होंने चर्चा की थी, राजनीति से संबंध है वो आप सभी जानते हैं, आप पार्टी से संबंध है उनका, शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मैं ज़्यादा राजनीति में रुचि नहीं रखता। तो उन्होंने जिक्र किया था कि अब GST शुरू हो गया है भैया, अब GST लागू हो गया है, तो हमें हमारी कविता पर भी GST लग गया है, और इस बार मुझे अपनी GST के चक्कर में मुझे 1 करोड़ का टैक्स चुकाना पड़ा है। 1 करोड़ मामूली रकम नहीं होती है। जो व्यक्ति 1 करोड़ का टैक्स चुका रहा है, कर दे रहा है 1 करोड़ रुपए, तो आय कितनी होगी ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं यहाँ आए तो धन की प्राप्ति, तो कहाँ से धन मिल रहा है, क्योंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं प्रोफेसर से, प्रोफेसर रहे नहीं केवल कवि हैं और कविता को मंच से गाते हैं, दूर दूर सम्मेलनों में जाते हैं, तो वहाँ से उनको धन मिलता है, तो वो धन की प्राप्ति होती है। ये उनका जीवंत उदाहरण है, ठीक है। तो हम इस तरह से उदाहरण देखते थे। चौथा जो प्रयोजन बताया है व्यवहार का, राजादि गतोचित आचार परिज्ञानम, जो काव्य को जानता है, हम जितने भी कवि हैं अगर उनको ढंग से देखें और पढ़ें तो पता चलेगा कि वो संस्कृत और हिंदी दोनों के विद्वान रहे हैं। हिंदी के मैं जब अध्ययन कराता हूँ 10वीं कक्षा में, तो पता चलता है कि वो दोनों भाषाओं के ज्ञाता हैं और दोनों भाषाओं को उन्हें बड़े अच्छे से जाना है, वो व्यवहार करना जानते हैं। जितने भी कवि हैं, बाण भट्ट से उदाहरण मिलता है, बाण भट्ट से एक बार हर्ष जो थे वो नाराज हो गए थे, तो बाण भट्ट ने उनके नाराजगी दूर कर दी कुछ ही पल में, क्योंकि वो कवि थे और कवि जानता है कि कैसे किसकी नाराजगी दूर की जा सकती है, व्यवहार जानते हैं वो। उनके शब्द जो भंडार होता है वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो वही यहाँ कहा गया है कि राजा आदि से कैसे व्यवहार किया जाए, यह ज्ञान हमें जो आचार व्यवहार आचरण करना जो सिखाता है वो काव्य का प्रयोजन ही है, अर्थात काव्य से हम उसका व्यवहार जान सकते हैं। आगे है अनिष्ट का उपाय। कोई समस्या आ जाती है किसी पर, तो वहां पर काव्य के द्वारा उस समस्या को भी दूर किया जा सकता है, वो शारीरिक हो, आदि हो या व्याधि हो, मानसिक हो
धनगत हो, यशगत हो, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, वो इस काव्य से, काव्य के जो प्रयोजन दे रखा है उसमें जो व्यवहार दे अनिष्ट का निवारण दे रखा है, इससे काव्य से हो जाता है। इसमें उदाहरण दिया है, आदित्य आदि मयूर आदि नामेव अनर्थ निवारणम। आदित्य आदि की उपासना करने से जिस प्रकार मयूर जो कवि हुए हैं उनको कुष्ठ हो गया था, वो कुष्ठ का निवारण हो गया था, तो इसका ये उन्होंने उदाहरण दिया है। इसकी मैं कथा थोड़ी सी बाद में सुनाऊंगा, आप इसका उदाहरण ले रहे हैं, किसी और का भी उदाहरण ले लीजिए। मैं एक साथ तीनों के उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ, 1, 2 और 3, इन तीनों के हमें उदाहरण मिल जाएगा। आप भारवी की बारे में अगर थोड़ी सी कथाएँ जानी हों तो भारवी जो कवि हुए हैं उनको श्राप के कारण अपनी ससुराल में जाकर रहना पड़ा, तो उनको गरीबाई आ गई, पैसा खत्म हो चुका था और ससुराल में तो बड़ी समस्या होती है। पिता ने कहा था कि ससुराल में जाइए, वहाँ जाकर के रहिए, वो उन्होंने पूछा था वो किस कारण से, आप कथा सब जानते हैं, पूरे विस्तृत में नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने धन को प्राप्त करने के लिए, उनका यश तो बहुत ही चमक चुका था, यश तो पहले ही प्राप्त कर चुके थे, जिसका कारण ही तो था वो ससुराल में रहे थे, तो उन्होंने धन को प्राप्त करने के लिए एक श्लोक लिखा या कविता लिखी और उसका आधा भाग ही लिखा और अपनी पत्नी को बोला कि जाकर के किसी भी व्यापारी को या सेठ को इसको बेच के आओ तो इससे तुम्हें धन मिल जाए। तो एक व्यापारी था जो बाहर गया हुआ था, उसकी पत्नी ने उस अर्धांश को, आधा श्लोक जो लिखा हुआ था उसको खरीद लिया, उसको कुछ पैसे दे दिए उनकी पत्नी को, भार्गवी जी को, और वो जो आधा श्लोक था उसको अपने कमरे में सामने ही उसको लगा लिया। उसका जो श्लोक था वो इस तरह से था, सहसा विदधीत न क्रिया विवेक परम आपदम पदम। अर्थात इसका अर्थ बाद में बताऊंगा, कहानी थोड़ी सी और चलती है आगे। 20 वर्षों के बाद में वो व्यापारी घर आया, घर आने पर उसने देखा कि एक जवान पुरुष उसकी पत्नी के नज़दीक लेटा हुआ है, तो उसने तलवार रखी हुई थी, तलवार को उठा करके मारने के लिए जैसे ही उठाया उसको, उसकी अचानक जो नज़र थी वो उस आधे श्लोक पर पड़ गई, वो वहीं के वहीं रुक गया और तलवार को रख करके अपनी पत्नी को जगाया और पूछा कि ये कौन है। पत्नी ने कहा कि आपका पुत्र है। कि मेरा पुत्र? कि जब आप व्यापार के लिए गए थे तो ये मेरे उदर में था, आपके जाने के बाद इसका जन्म हुआ और आपको आते आते 20 वर्ष का समय लग गया, तो ये जवान हो गया है, तो ये आपका पुत्र ही है। तब उन्होंने उस श्लोक को जाना और फिर उस श्लोक के जिसने भी रचना की थी उसको बुलाया, कहा कि इसको पूरा करवाया जाए, और फिर उसको धन दिया गया था, अर्थात भारवी को, और फिर धन मिला था। तो तीन इसमें चीज़ें मिल गई आपको, यश भी उनका फैला, धन भी मिला और अनिष्ट का निवारण भी हो गया। अर्थात अगर उसका अर्थ न जानते, अगर वो श्लोक न होता तो अपने पुत्र को, अपनी वाइफ पत्नी को वो मार चुके होते और बाद में फिर पछताना ही पछताना रह जाता। उसका मतलब था कि अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, अन्यथा वो जीवन भर पछताना ही पछताना रहता है। तो ये भी उदाहरण मिल जाता है, अनेकों उदाहरण ढूंढ सकते हैं आप काव्य में। कालिदास के बारे में उदाहरण है, जब वो जानकी हरण नामक एक पुस्तक थी जो कुमारदास जी ने लिखी थी श्रीलंका में, तो उसका निवारण शुद्धि देखने, शुद्ध अशुद्ध देखने के लिए गए थे, ऐसे बताते हैं कि किंवदंतियाँ हैं, सच्चाई क्या है कोई किसी को नहीं पता। तो वहाँ जाकर के वो वैश्या के प्रेम में पड़ जाते हैं और वहाँ पर भी श्लोकों को बेच करके धन का आदान प्रदान होता है, तो वहाँ पर भी धन मिलता है। इस तरह से हम अनेकों चीज़ें देख सकते हैं कि इनसे हमें अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, अनिष्ट का निवारण, व्यवहार कैसे किया जाए, धन की प्राप्ति कैसे हो, अर्थ कैसे हो, सारी बातें हमें काव्य से मिल जाती हैं। अब मयूर की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। मयूर जो थे वो हमने चर्चा कर ली थी कि भोज के ही रहते थे, बाण भट्ट भी वहीं रहते थे धारा नगरी में ही। ये दोनों बहनोई थे और साले थे, मतलब इनमें कौन बहनोई था कौन साला था। बाण भट्ट जो थे इनके बहनोई थे मयूर के, तो बाण भट्ट और ये दोनों बहनोई साले का रिश्ता कम मानते थे, मित्रवत व्यवहार ज़्यादा करते थे, क्यों कवि थे, वही के दरबार में रहा करते थे, विद्वान थे दोनों, एक बार और साथ साथ घूमने भी जाया करते थे सुबह शाम। तो सुबह को मयूर बाणभट्ट के घर पे आते हैं, जब उनको देखते हैं जैसे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं या बुलाने की कोशिश करते हैं जो भी रहा हो, तो
तो बाण भट्ट को अपनी पत्नी को मनाते हुए सुनते हैं और उनको पूरा रात हो गया उनको मनाते मनाते पत्नी को, लेकिन पत्नी मान नहीं रही है। और दुर्भाग्य यह है कि वो तीन श्लोक की तीन पंक्तियां तो बना ली हैं, चौथी पंक्ति नहीं बना पाए हैं। तो चौथी पंक्ति जब उन्होंने सुना तो मयूर ने चौथी पंक्ति को बना दिया है। और चौथी पंक्ति का आशय ये था कि कठोर कुचों के पास रहते हुए तुम्हारा हृदय भी कठोर हो गया है हे चंडी, अर्थात कोप करने वाली। तो इतना सुनकर के उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि कौन बोल रहा है श्लोक। और उन्होंने बाणभट्ट की पत्नी जो थी अर्थात मयूर की भगिनी अर्थात बहन जो थी, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हें कुष्ठ हो जाए। और उनको, क्योंकि वो पतिव्रता थी, तो उनको तुरंत ही उनको कुष्ठ हो गया। और ऐसा माना जाता है कि जब उनको शांत हुआ उनका क्रोध तो पता चला, तो उन्होंने उसका निवारण ही बताया कि गंगा के किनारे जाइए और सूर्य शतकम की आप स्थापना करिए, रचना करिए, तो आपको कुष्ठ का निवारण होगा। तो इन्होंने एक पेड़ पर रस्सियाँ बांध ली थी, जहाँ रह करके 100 रस्सियाँ बांधी थी और प्रत्येक दिन एक श्लोक रचते थे और एक रस्सी को काटते थे। 100वें श्लोक रचने तक और अंतिम रस्सी कटने तक, जैसे अंतिम रस्सी कटे गंगा में गिरने से पहले ही इनको कुष्ठ का निवारण हो गया था। ये इनकी कथा है। हो सकता है और भी कुछ हो, आप अध्ययन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आदित्य यानी सूर्य की उपासना करती थी, इसलिए इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम सूर्य शतक लिखा और 100 श्लोक लिखे इसमें। इस तरह से ये निवारण है। मैं पूरी बता रहा हूँ, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अध्ययन करते चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आनंद की अनुभूति ये प्रमुख प्रयोजन है इनका, ये याद रखना। ये प्रश्न पूछ लिया जाए कभी कि मुख्य प्रयोजन क्या है काव्य का, तो काव्य का जो मुख्य प्रयोजन बताया है मम्मट्टी जी ने, वो आनंद को बताया है। इसलिए इसमें बताया है सकल प्रयोजनम मौलीभूतम, जो संपूर्ण प्रयोजन का मूल है अर्थात आनंद है। इसमें बताया ना, सद्य परिनिवर्ते हैं तुरंत ही आनंद की अनुभूति आने लगती है। समनंतरम वेव रसा स्वादनम, रस का स्वादन होता है। समुद्भूतम विगलत वैद्यानंतरम, और सारे जितने भी ज्ञान होता है काव्य को सुनते समय आपका सब खत्म हो जाता है, एकाग्रता उसमें बनी रहती है। यदि आपने काव्य सम्मेलन सुना होगा तो आपको उसमें जानकारी मिलती रही होगी कि जैसे ही कोई कवि, विशेषकर श्रृंगार कवि, जब अपनी कविता को कहना शुरू करता है, वीर रस में भी आनंद आता है लेकिन श्रृंगार चरम पे होता है आनंद। श्रृंगार जब कवि होता है उसकी जब कविताएं सुनते हैं तो जो आनंद की अनुभूति है वो चरम पे होती है। तो कविता जैसे ही शुरू करता है आनंद तुरंत ही उसमें प्राप्त होने लगता है। ये कविता की यानी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। और सारा संसार जैसे मानो भूल ही जाते हैं उस समय, उस दौरान आनंद तुरंत ही मिलना शुरू हो जाता है। सुनते होंगे आप कवि सम्मेलन, उसके द्वारा ये बताया गया है। अब हम थोड़ा सा उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये यश अर्थ व्यवहार अनिष्ट का उपाय और आनंद, ये मैंने बहुत विस्तृत में जाकर के समझाया है, आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए उपदेश में देख लेते हैं कि कांता सम्मित उपदेशी क्यों बोला है, अर्थात काव्य जो है वो स्त्रियों के उपदेश के समान ही है, जैसे स्त्रियां उपदेश देती हैं वैसे ही है। थोड़ा सा इसमें विस्तृत में जाएंगे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। उपदेश जो हैं वो इसमें पूरी व्याख्या में जो दिया गया है, मम्मट्टी जी ने तीन प्रकार के उपदेशों की चर्चा की है। मैं तीनों प्रकार की यहाँ से चर्चा करूँगा, जिससे कि आपको बातें साफ सीधी होती चली जाएँ और प्रश्न इन्हीं में से एक बन जाता है, उसको आपको ढंग से देखना है। प्रथम उपदेश बोला है उन्होंने शब्द प्रधान, जिसमें शब्द की प्रधानता होती है वो उपदेश प्रभु सम्मित होता है, ठीक है। इसको नाम दिया है प्रभु सम्मित। प्रभु सम्मित किसका उपदेश होता है? वेद शास्त्र आदि की जो उपदेश शैली होती है वो प्रभु सम्मित होती है, याद रखना है। वेद शास्त्र आदि की शैली उपदेश
शैली। ठीक है, प्रभु सम्मित वेद शास्त्र आदि की उपदेश शैली होती है। क्यों होती है इसको थोड़ा सा जान लें। प्रभु का मतलब यहाँ राजादि से लिया गया है। यहाँ एक चीज और लिखता चलूँ ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शब्द प्रधान उपदेश, उपदेश की शैली है प्रथम, शब्द प्रधान। शब्द प्रधान में भी हमने जाना है प्रभु सम्मित। और प्रभु सम्मित में भी राज आदि जितने भी होते हैं ना, प्रभु से तात्पर्य है राज आदि के, अर्थात राजा जिस प्रकार से आज्ञा देते हैं। एक बार उन्होंने कोई शब्द जैसे आज्ञा दे दिया तो उसका अक्षरशः पालन करना होता है, इसलिए शब्द की प्रधानता बोलेगी, यानी एक एक शब्द जो बोला है उसके अनुसार ही कार्य को करना होता है। वो राजादि की आज्ञा होती है, अर्थात अधिकारी जितने भी आदेश करते हैं आज के समय में वो इस तरह से ही होते हैं। और वो हमारे वेद शास्त्र जो हैं उनकी उपदेश शैली भी इन्हीं प्रभु सम्मित की तरह ही मानी जाती है, अर्थात वेद शास्त्र जितने भी पढ़ते हैं उसमें जो जो बोला गया है आपको वो करना पड़ेगा, ये इसका नियम है। इसलिए वेद और शास्त्रों की उपदेश शैली क्या बोली गई है, प्रभु सम्मित बोली गई है, अर्थात उनमें जो बोला गया है एक एक शब्द का पालन करना अनिवार्य है, ये प्रथम है। दूसरा, अर्थ प्रधान। ठीक है, अर्थ की प्रधानता होती है, इसमें बोला गया सुहृत सम्मित। मित्र आदि, ये मित्र की होती है, अर्थ की इसमें प्रधानता होती है। सुहृत का मतलब मित्र, मित्र जब समझाते हैं तो उसमें शब्द को मान अनिवार्यता नहीं होती, अर्थात जो वो कह रहे हैं वो एक एक शब्द को आप माना जाए ये जरूरी नहीं है, उनकी बातों का अर्थ समझ के उसके अर्थ को जान करके आप उसमें आगे प्रवृत्त हो सकते हैं किसी भी कार्य में। इसमें बोला गया है कि इतिहास, प्राण आदि, ये इतिहास प्राण आदि की उपदेश शैली है। ठीक है, अभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि वेद आदि, वेद शास्त्र आदि की उपदेश शैली कैसी होती है, तो प्रभु सम्मित होती है। इतिहास पुराण आदि की उपदेश शैली कैसी होती है, मित्रवत होती है, सुहृत सम्मित होती है, अर्थात जो भी उसमें कहा गया है उसके शब्द शाह पालन ना करके उसके अर्थ के जान करके अपने अनुसार कार्य में प्रवृत्त होना होता है, ये इसमें कहा गया है। कभी कोई गलत काम से बचाना है, सही काम में लगाना है, तो जब मित्र समझाता है तो वो अर्थ के द्वारा ही उसको माना जाता है और काम अपने अनुसार किया जाता है। तीसरा है रस प्रधान, अर्थात ये दोनों का गौड़ी भाव हो गया है, गौण भाव होकर के, मतलब एक भाव होकर के रस प्रधान माना गया है, ना उसमें शब्द की प्रधानता होती है ना अर्थ की प्रधानता होती है, ये होती है कांता सम्मित। कांता सम्मित का मतलब स्त्री की प्रधान, स्त्री, स्त्री के उपदेश के समान, स्त्री के उपदेश के समान, इसमें जो काव्य की शैली, काव्य की शैली जो मानी गई है उपदेश शैली, इसको पूरा लिख दो, काव्य की जो उपदेश शैली मानी गई है वह कांता सम्मित मानी गई है, इसलिए यहां बोला गया कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, अर्थात काव्य का जो प्रयोजन है वो ऐसा है कि स्त्री के समान, स्त्री जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य में लगाती है, किसी कार्य से हटाती हैं, तो इस प्रकार से वो बोलने का प्रयास करती हैं जिससे रसयुक्त बातों के द्वारा उनको कार्य करने के लिए वो प्रवृत्त हो जाते हैं। वो ये नहीं कहती कि ठीक है ये बुरा है, आपको ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा बात करती हैं जिससे कि समझ में आ जाता है कि ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार के काव्य भी ऐसे होते हैं, वो किसी क्षेत्र में ये नहीं कहते कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है। इसमें उदाहरण जो दे रखा है उसी का मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और अन्य उदाहरण आप जानते ही हैं। रामायण का इसमें उदाहरण दे रखा है कि जब रामायण को हम पढ़ते हैं तो उस पूरी रामायण को कितनी बार भी पढ़ लीजिए आप,
उसमें कभी ये नहीं कहा गया है कि आप राम की तरह आचरण करें या रावण की तरह आचरण ना करें, उसमें कहीं नहीं कहा गया। सीधा उसमें रस प्रधान होने के कारण जब उसको पढ़ते हैं तो एक भावना बहती है, रस उमंग बहती है, रस की प्रधानता होने के कारण, तो हमें अपने आप से ही पता चल जाता है मस्तिष्क के जरिए, हृदय के जरिए, कि हमको राम की तरह ही आचरण करना है, रावण की तरह आचरण नहीं करना है। तो ये कांता सम्मित इसलिए बोला है काव्य को कि काव्य कभी भी किसी प्रकार का ना तो अर्थ के रूप में ना शब्द के रूप में सीधे आदेश नहीं देता, वो रस को ही देता है, रस की प्रधानता देता है, जिससे कि आदमी का हृदय उसी की तरफ सीधे चलने लगता है, हर व्यक्ति का आचरण होता है। तो उम्मीद है काव्य के जो प्रयोजन मैंने समझाने का प्रयास किया आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।